पहले थोड़ा सा कुछ जिक्र का बताएं ना, ये जिक्र चीज क्या है। अल्लाह ताला ने कई मज़हब बनाए, तौरात भी, जबूर भी, अंजील भी, कुरान मजीद भी। अब हम लोग इनको जुटलाते हैं, तौरात जबूर को जुटलाते हैं। हज़ूर पाक ने फरमाया मैं इनको जुटलाने के लिए नहीं आया, मैं इनकी तसही करने के लिए। आपने तो ये कहा, आप लोग उसको जुटला रहे हैं। अब जिस तरह वो मज़हब उनमें से अर्क खाली हो गया, इसी तरह जो तुम्हारा मज़हब है ना इस्लाम का, उसमें से भी अर्क खाली हो गया। ये समझे, आप यहूदी को, ईसाई को, मुसलमान को, सब मज़हब वाले को खड़ा करके देखें, सिर्फ ज़बानों का फ़र्क लगेगा, सीनों में सारे एक, अंदर से सारे काले। यही बात है ना, ज़बान से फिर तोते ही हुआ ना, ये कबूतर हुआ ना। अल्लाह कहता है ना शक्लों को देखता हूँ, ना अमलों को देखता हूँ, ना तेरी दाढ़ी को देखता हूँ कि एक मुठ है या एक बालिश है, मैं इसको नहीं देखता, मैं तेरे कलब और नीयत को देखता हूँ। जिसको अल्लाह देखता है वो तो सब के ही काले हैं ना भाई, ईसाई का भी काला है दिल, मुसलमान का भी काला है, यहूदी का भी काला है। तो फिर सही कौन है? सही वो है जिसका अंदर सफेद है, जिसके अंदर नूर है, वो सही है ना। अब आप नमाज पढ़ते हैं ना, आप इसको समझे ही नहीं। कुरान में कहीं नहीं लिखा तू नमाज पढ़, कुरान में लिखा तू नमाज कायम कर, वो कायम का लिखा हुआ है ना। तुम तो पढ़ते हो ना, जब पढ़ते थे उस वक्त मोमिन थे ना, जब छोड़ के चले गए कारोबार में लग गए तो वही फ्रॉड शुरू हो गया ना। जब पढ़ते थे उस वक्त मोमिन था ना, वो 10-15 मिनट के लिए तू मोमिन बना ना, उसके बाद तू फ्रॉड ही है ना। तो वहाँ लिखा पढ़ नहीं कायम कर, ये नमाज तेरे अंदर जाए, जब ये तेरे अंदर जाएगी ना तो तू पढ़ रहा होगा तब भी मोमिन, तो घूम रहा होगा तब भी मोमिन, तो कारोबार कर रहा होगा तब भी। उनका जिन वली जिन वो तख्त को उठा के ले आया था ना, ताकत थी तो ना, अगर तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं तो तुमसे वो बेहतर है ना, अगर तुम में वो ताकत नहीं है तो तुमसे वो बेहतर है ना। इस वक्त हर मजहब क्या, इस वक्त मुसलमान भी अपने मजहब से मशकूक है, इसके पास सिर्फ एक कुरान मजीद है ना, सिर्फ कुरान मजीद है ना, ला रहा है शक नहीं है ना। तो कुरान पढ़ने वाले एक दूसरे को काफर मुनाफिक कहते हैं, इस वजह से मुसलमान का मजहब भी मशकूक हो गया। जब ये सारे मजहब मशकूक हो गए, तुम्हारा मजहब मशकूक हो गया ना, 72 फिरके बन गए ना, एक दूसरे को काफर मुनाफिक कह रहे हो ना, तो जब ये सारे मजहब मशकूक हो गए तो अल्लाह ताला ने एक और इलम भेज दिया। उस इलम को कोई भी मशकूक नहीं कह सकता है, कोई फिरके वाला, कोई मजहब वाला उसको मशकूक नहीं कह सकता। वो इलम अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों के लिए रखा हुआ था, खास खास को देता था, जिनको वो देता था वो ख्वाजा साहब बन जाते थे, दाता बन जाते थे। अब ख्वाजा साहब तो गलत नहीं हो सकते, उनके पास वो इलम था ना, दाता साहब भी गलत नहीं हो सकते, वो इलम था ना। तो जिनके पास वो इलम नहीं है ना तो वो तो 72 फिरकों में तकसीम। अब वो इलम जो ख्वाजा साहब और दाता साहब को मिला करता था, वो इलम अल्लाह ताला ने आम कर दिया। उस इलम को आम कर दिया कि जो भी वो इलम हासिल कर जाए तो बस उनके ख्वाजा साहब तो नहीं बनेगा, हो सकता बन भी जाए। इलम तो वही है ना, वो दाता साहब नहीं बनेगा, हो सकता बन भी जाए। वो नक्शे कदम पे तो चला गया ना, सरदे मुस्तकीम मुस्तकीम पे तो चला गया ना। वो इलम क्या है? वो किसी मजहब में नहीं है ना, वो जो इलम है, क्योंकि यहूदी का और मजहब है, ईसाई का और मजहब है,
मुसलमान का और मजहब है, अल्लाह का और मजहब है। भाई अल्लाह का नमाज नहीं पढ़ता ना, अगर मजहब होता नमाज भी पढ़ता ना, रोजे रखता, दाढ़ी भी रखता ना, इसका मतलब है उसका मजहब कोई और है। बहुत ही मुश्किल मजहब है, अगर मिल जाए तो बहुत ही आसान है। अल्लाह का मजहब इश्क है और इश्क हर किसी के लिए है, हाँ वो मजहब में है या गैर मजहब में है, वो हर किसी के लिए इश्क जो अल्लाह का इश्क है। जब इन मजहबों में इश्क था तो ये अल्लाह के नजदीक थे, जब मजहबों से इश्क गया तो अल्लाह से दूर हो गए ना, और फितना खड़ा हो गया ना। अब वो इश्क क्या है, वो जो ख्वाजा साहब दादा साहब ने वो कौन से इल्म सीखा, ये इल्म ज़हर तो शहरों में मदरसों में पढ़ाते हैं ना, तो फिर जंगलों में क्यों गए, वहाँ फिर कोई और इल्म था ना। उन्होंने कुछ अरसा रहबानियत इख्तियार करी ना, अब तुम कहती हो इस्लाम में रहबानियत ही नहीं है, यही कहती हो ना, तो वो क्या लोग इस्लाम में नहीं थे। तो उन्होंने कुछ अरसा रहबानियत इख्तियार करी, फिर दाता और ख्वाजा बने। अच्छा वो है अल्लाह का मजहब क्या है, वो इश्क है। इश्क आता कैसे, ये जो इबादत वाले हैं ना, ये आप तस्बीह करेंगे, अब तस्बीह के साथ अल्लाह ला क्यों बुलाते हैं, बगैर तस्बीह के भी अल्लाह ला हो सकती है ना। हमारे काबर ने क्यों बताया, जिस तरह पानी पानी से टकराता है बिजली बनती है, लोहा लोहे से टकराता है चिंगारी उठती है, अल्लाह अल्लाह से टकराता तो नूर बनता है। लेकिन वो नूर उंगलियों में ना, वो अंदर तो नहीं है ना, इबादत है ना, रूहानी तो नहीं है ना। कुछ लोग जबान से अल्लाह ला करते हैं, नमाज पढ़ते तलावत करते हैं, इनमें सब में नूर है, लेकिन अंदर जाए तो मुस्तफीज हो ना, वो तो जबान से बारी बार है ना। अगर काम आया तो यौम मैशर में काम आएगा ना, अब तो तेरे पास कुछ भी नहीं है ना। जब नमाज पढ़ी थी उस वक्त मोमन था, जब तलावत करी थी उस वक्त मोमन था, अब तो फारग है। जब उस वक्त सुल्तान साहब ने फरमाया, जो दम गाफिल सो दम काफिल। अल्लाह, जब तू फारग है तुझ में काफिर में क्या फ़र्क है, ना वो चमक रहा ना तू चमक रहा, वो भी फारग तू भी फारग। जब नमाज पढ़ रहा था उस वक्त मुसलमान नजर आता था ना। इसी तरह की एक तस्वीर तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला ने फिट कर दी है, वो हर वक्त करती है टिक टिक, ये तुम्हारा दिल है टिक टिक टिक, ये तस्बीह है, ये तुम्हारे दिल की तस्बीह है। जब इसके साथ अल्लाह अल्लाह मिलाते हैं, फिर जो अल्लाह अल्लाह का नूर बनता है तो वो उंगलियों में नहीं जाता, बाहर नहीं जाता, वो सीधा खून में चला जाता है। दूध दूध ही है, रगड़ा लगता है तो मक्खन बनता है ना, जिक्र जिक्र ही है, रगड़ा लगता है तो नूर बनता है ना। जब वो अल्लाह अल्लाह का रगड़ा लगा ना अंदर, दिल की धड़कने पुकारी अल्लाह 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 अल्लाह, वो फिर नूर बना तो वो खून में गया ना, खून से होते हुए नसों में पहुंच गया ना। तुम्हारी रूह तो नसों में है ना, तो नसों से होते हुए रूह तक पहुंच गया ना। जब रूह तक पहुंच गया तो रूह बेदार हो गई ना, उसने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी ना, फिर तू सोते रहना ना और तेरी रूह अल्लाह अल्लाह करती रहेगी। तू कब्र में भी चला जाना, वहाँ भी रूह अल्लाह अल्लाह करती रहेगी, और यौम मैशर में भी अल्लाह अल्लाह करती रहेगी, क्योंकि मैदान अमल ये है, यहाँ इसने अल्लाह अल्लाह सीखी वहाँ भी अल्लाह अल्लाह करेगी, और जो यहाँ अंधे वो वहाँ भी अंधे। यह हदीस शरीफ में हम किसी फिरके की बात नहीं कर रहे हैं, किसी मजहब की बात नहीं कर रहे हैं, हम इश्क की बात कर रहे हैं, उस नूर की बात कर रहे हैं, जिसको काफिर भी कहता है कि नूर होता है। जब वो तेरी रूह ने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी, अल्लाह अल्लाह का नूर तेरे दिल में इकट्ठा हो जाएगा, और वो जो रूह है अल्लाह अल्लाह के नूर से उसकी भी परवरिश होना शुरू हो जाएगी। जब उसकी परवरिश शुरू होना हो जाएगी तो तेरे जिस्म में कोई एक रूह नहीं है, सात रूह हैं, इनके बकायदा नाम है कलब रूह सिरी फफी अख्फा अन्ना नफ्स। एक रूह है जिसको नफ्स बोलते हैं, वो ख्वाब में बाहर निकलती है, वो शैतानों में जाती है, घूम फिर के वापस आ जाती है। अब तेरे अंदर एक रूह जो है वो मनोवर होगी, वो नूर ही होगी, इसमें ताकत।